फ्रेंड्स, हम लोग काफ़ी कुछ भी नया करने से ना बहुत डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो जहाँ तक इस टैंक का सवाल है, ये टैंक भी एक तरह से एक्सपेरिमेंटल टैंक ही था, जो कि स्केप बनाने के लिए उतना आपको जो चाहिए होती हैं चीज़ें, वो मैंने इसमें कुछ भी प्रोफेशनल इक्विपमेंट जो होता है एक्वास्केपिंग का, एक प्लांटेड टैंक का, वो मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था। तो बहुत लोगों के, जब ये मैंने टैंक सेटअप किया, जिन लोगों ने देखा है इसका वीडियो वो देख सकते हैं, नहीं तो ऊपर आई कार्ड में उसका लिंक आ गया होगा। तो जब ये सेटअप किया तो बहुत लोगों ने मेरे को बोला कि नहीं नहीं ये तो हो नहीं पाएगा, प्लांटेड टैंक उस तरह का नहीं बन पाएगा, उसमें बहुत ही लिमिटेड तरीके के प्लांट्स उगा सकते हैं आप। फिर भी मैं बनाता गया इसको, जो मुझे समझ में आया, रिसर्च किया, गलतियाँ हुई, बहुत सारे इसमें ब्लंडर्स भी हुए थे जो बाद में धीरे धीरे ठीक किए। बट पॉइंट ये है कि इस चीज़ का प्रूफ क्या है कि ये जो DIY मेथड है या ये जो कंपोस्ट प्लांटेड टैंक मैंने बनाया है, ये पूरी तरीके से एक सक्सेसफुल टैंक है। ये तो मैं बोल रहा हूँ, बट अगर यही बात आपको इंटरनेशनल एक्वास्केपिंग कॉन्टेस्ट की जजिंग कमेटी बोलेगी, तब तो आप मानेंगे ना। तो आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ये मेल आया है। तो बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा, ये एक इंटरनेशनल एक्वाटिक प्लांट्स लेआउट कॉन्टेस्ट होता है, जो कि हर साल होता है, और ये ADA कराता है, ये तकाशी अमानो का इनिशिएटेड है। तो इसकी बहुत रिकॉग्निशन है वर्ल्ड। तो मैंने कहा अगर प्लांट्स निकल रहे हैं, स्केप अच्छा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है ना कि आप आज नीचे क्या लगा रहे हैं और उसको कैसे आपने मेंटेन किया है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और बहुत लोगों ने मेरे को बोला कि नहीं, ये तुम्हारा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसमें ये मत डालो, टाइम वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा तुम अपना 2 फीट वाला टैंक को स्केप कर दो और फिर डाल दो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे लगता है कि ये जाना चाहिए और मैं ठीक ठाक स्केप था। अभी तो ये ओवरग्रोन है, बट मैं वो फोटो आपको दिखाता हूँ जो मैंने भेजी थी इस कॉन्टेस्ट में। तो फाइनली जो शॉर्ट में बात मैं करना चाहता हूँ कि इसका रिजल्ट आ चुका है, उन्होंने मेरी एंट्री एक्सेप्ट भी कर ली और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग भी आ गई है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि सिर्फ मेरी बात पे मत जाइए, ये चीज़ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है और उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ये रहा उसका लेटर। एनीवेज, तो लेटर में तो वो सब लिखा हुआ है कि क्या है क्या नहीं है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो इसमें उन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग भी दी है मेरी। मेरे लेआउट का जो टाइटल था वो मैंने रखा था वाइट माउंटेन फॉरेस्ट। उसका रीज़न ये था कि इसमें जो मैंने क्वार्ट्ज स्टोन लगाए थे यहाँ पे और यहाँ पे और भी, वो पूरा स्केप देने के लिए वो पूरे वाइट थे। और क्वार्ट्ज स्टोन्स का जो बेनिफिट ये होता है कि उस पर जब काई जमती है या एलजी की जो ग्रोथ होती है, तो वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं हो पाती है उस पर, क्योंकि वो क्वार्ट्ज मटेरियल होता है, वो काफ़ी चिकना होता है, उस पर एलजी अपना जो कहते हैं ना कि वो चिपक नहीं पाती है ठीक से। तो एक रीज़न ये था इसको डालने का, इसलिए मैंने वाइट माउंटेन फॉरेस्ट करा। अब आपको दिखाता हूँ कि मेरी वर्ल्ड रैंकिंग क्या है। बहुत अच्छी नहीं है, बट अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए 1337 रैंक है। इन्होंने टोटल 1600 रैंक्स को, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 1600 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है आउट ऑफ 72 कंट्रीज। तो 72 कंट्रीज में अगर ये मेरा देसी टाइप का 80 रुपये वाला टैंक 1337 रैंक ले आता है, जिसमें मैंने कुछ खास किया नहीं है, तो मेरे ख्याल से ठीक है। मतलब ऐसे जो लोग बोल रहे थे कि नहीं उसमें आप सॉइल ही डालो, एक्वा सॉइल चलेगी, उसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन वाटर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लीन इसमें भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो बाकी एंट्रीज थी वो नो डाउट वो मेरे से कहीं ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का उन्होंने बनाया था, बट उन्होंने टाइम और पैसा जो खर्च किया था उसका मैंने शायद 1/10 भी नहीं किया होगा। और ये टैंक नॉर्मली ऐसे पड़ा रहता था, वाटर चेंज और ट्रिमिंग के अलावा मैंने इसमें कुछ नहीं किया, इवन CO2 तक नहीं लगी थी इसमें शुरू में। तो मेरा पॉइंट यही है कि कभी भी कुछ इस तरह का करने से पहले आपको डरना नहीं चाहिए।
अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ ट्राई करें, तो इस इंडस्ट्री में इतने सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, इतने सारे लोग हैं इसमें, कि सब अपना अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको तैयार हैं। ये आपके ऊपर है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस तरीके से अपना टैंक सेटअप करना चाहते हो। आप खरीदना चाहोगे तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप खरीद सकते हो, बट उससे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। इस टैंक में जिन लोगों को नहीं पता है, मैं फिर से एक छोटा सा रिकैप कर देता हूँ। इसमें अराउंड 1 इंच की लेयर मैंने खाद की डाली थी, जो कंपोस्ट होता है, फूलों वाली खाद जो होती है वो, और अराउंड 1.5 इंच की लेयर थी सैंड की, मतलब सैंड जो नॉर्मल सैंड होती है, वाइट सैंड वो थी। रॉक्स थे, जो ड्रिफ्ट वुड थी वो ऑलमोस्ट टैंक की लेंथ के बराबर थी, वो भी मैंने ऐसे ही बाहर से कहीं मैं घूमने गया था तो वहाँ पे देखा मैंने, वो थोड़ी सॉलिड थी और हैवी थी वो, तो उसको मैं लाया, क्योर किया, उसमें 2-3 ड्रिफ्ट वुड और जोड़ी और उस तरह से बनाकर इसको किया था। प्लांट्स भी इसमें कोई बहुत ऐसे कोई हाई फाई प्लांट मैंने नहीं लगाए थे, रोटरला लगाया था जो कि बहुत ईजी ग्रोइंग है, बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। जावा मॉस है, टेलेंथ्रा है, टेलेंथ्रा भी अच्छा ग्रो करता है अगर आपका लाइटनिंग सिस्टम अच्छा हो तो। मोंटी कार्लो मैंने अभी लगाया था, जस्ट कि इसमें कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है। मोंटी कार्लो भी अच्छा ग्रो कर रहा है, बट ग्रोथ जो है वो स्लो है, मे बी बिकॉज ऑफ द लाइट। वो लाइट वाला जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो लोग देख सकते हैं कि, तो मतलब ओवरऑल मेरा पॉइंट यही है कि आप कुछ भी खरीदने जाते हैं मार्केट में, आपको 10 तरह के मैन्युफैक्चर मिलेंगे। ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, हर कोई आपको कुछ ना कुछ बेचना चाहेगा कि भाई ये बेच दो, इस चीज़ के लिए ये है, इस चीज़ को ईजी करने के लिए वो है। बट आपको जो इसका कोर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको टैंक बैलेंस्ड चाहिए। प्लांटेड टैंक इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। जितना ज़्यादा बैलेंस रहेगा आपका सब कुछ, ये नहीं है कि आपको पीएच आपकी थोड़ी सी अप हो गई तो आपने तुरंत पीएच डाउन करने के लिए कुछ केमिकल डाल दिया, फिर आपका केएच थोड़ा डिस्टर्ब हुआ तो आपने केएच के लिए कुछ डाल दिया, वो करने से कुछ नहीं होगा। वाटर चेंज एक ऐसी चीज़ है जो मैक्सिमम चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर देती है। अगर आप वाटर चेंज करते रहेंगे, CO2 आप डालते हैं नहीं डालते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है, बट आजकल मतलब DIY CO2 और वो सब डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से वो इतना रिलायबल मेथड नहीं है DIY CO2, बट अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट है आप डाल सकते हैं। तो जावा मॉस इजी प्लांट है, आपको डालना है थोड़ा सा, आप उसको फेविक्विक या कुछ सुपर ग्लू लगाकर उसको चिपका दीजिए। अगर वो नहीं चाहते हैं तो आप धागे से उसको बांध दीजिए और वो अच्छा ग्रो करता है। एक बार इस्टेब्लिश हो गया तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो फ्रेंड्स, यही वीडियो था आज का छोटा सा। इसमें मैं यही बताना चाह रहा था कि जो लोग बोल रहे थे कि नहीं ये नहीं चलेगा, उसमें नहीं जाएगा, तो इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप उसके अंदर क्या लगा रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि आउटपुट रिजल्ट क्या आ रहा है। हालांकि आप जब एंट्री करते हैं तो आपको सब कुछ लिखना होता है उसमें, और मैंने अपनी जब मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था इसका इस कॉन्टेस्ट के लिए, आई थिंक 8-10 महीने पहले शायद कराया था, तो उस समय वो जो उनका फॉर्म होता है उसमें आपको सब कुछ लिखना होता है कि आपने क्या क्या यूज़ किया है। तो मैंने उसमें बाकायदा ये लिखा था कि मैंने कॉम्पोस्ट यूज़ करी है कैप्ड बाय सैंड, कुछ भी नहीं है उनका, कोई ऐसा ये नहीं हुआ कि नहीं वो नहीं लेंगे या उसको वो डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं या कुछ उन्होंने कॉमेंट दिया हो। 48 आवर्स के अंदर मेरे को आ गया था ईमेल पे कि हाँ आपकी एंट्री जो है रजिस्टर्ड हो गई है और आप जो है अब रिजल्ट का वेट करिए, जैसे जो भी जजिंग कमेटी होगी तो इम्पार्शियल जजमेंट देते हैं वो जो भी है, और वो आपके प्लांट्स की ग्रोथ देखते हैं, आपका जो पानी की क्लैरिटी है, एलजी है, आपका स्केप देखते हैं किस तरीके का है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी देखते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाया था स्नेल्स के ऊपर, तो वो जो स्नेल्स वाला जो वीडियो था वो इसलिए भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था स्नेल्स वाली प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे इस कॉन्टेस्ट में देना था। अगर उनको ये दिखता कि इसमें पूरे स्नेल्स ही स्नेल्स भरे हुए हैं तो वो कहेंगे यार ये तो गड़बड़ है, इसको सेटल डाउन करना चाहिए, या कहीं ना कहीं मेरी एंट्री और नीचे आ जाती, या हो सकता है डिस्क्वालीफाई हो जाता या 1600 के बाहर चला जाता तो शायद मेरा लेटर नहीं आता या जो भी है। तो वो स्नेल्स वाला भी प्रॉब्लम, मैंने कोई कॉपर सल्फेट वगैरह कोई केमिकल यूज़ नहीं करा मारने के लिए। मेहनत ज़रूर लगती है इस चीज़ में, क्योंकि आप जब एक नेचुरल एनवायरनमेंट को मिमिक कर रहे हो, उसकी नकल करके आप अपने घर में रख रहे हो, तो आपको दूसरे तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी उसमें, उसको फिशेस को और प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए। तो वो भी किया, उससे भी अब पता नहीं उससे कितना फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन
रिजल्ट तो आ गया है और ये पूरी तरह से प्रूफ है कि इस टैंक को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है कि उनको सॉयल से या कॉम्पोस्ट से आप कैसे उगा रहे हो उससे कोई मतलब होता है। दूसरा, इनकी एक मैगजीन भी होती है जो कि नवंबर में आई थिंक पब्लिश होती है, तो जो मैगजीन पब्लिश होगी तो होपफुली शायद मेरा ये वाला जो टैंक है वो उसमें मैगजीन में पब्लिश होगा। तो अगर वो होता है, मैं मैगजीन खरीदता हूँ, तो अगर वो दिखता है उसमें तो मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा उस चीज़ को लेकर के कि कैसा क्या है उसमें। तो फ्रेंड्स, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी डरना नहीं चाहिए। अगर आप कोई अपनी हॉबी फॉलो कर रहे हैं, आप पहले अपने आप खुद देखिए आपको क्या अचीव करना है, और बिल्कुल ये नहीं कि कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि मार्केट में हर तरह के लोग हैं, हर तरह की चीज़ें वो बताते हैं, बेचना चाहते हैं। आप खुद ट्राई करिए, ट्राई करने में कभी डरना नहीं चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए कि ऐसा ना हो कि आपकी फिश अननेसेसरी मर जाए और वो हो प्रॉब्लम हो। कुछ थंब रूल्स होते हैं जो आप मतलब अगर आप करेंगे तो आपका जो फिश के मरने वाली चीज़ है या एलजी वाली प्रॉब्लम्स है वो आपकी कम हो जाएंगी। बहुत लोग मेरे को ये भी बोलते हैं कि मैं अगर एलईडी लाइट में, मेरे में ये वेव लेंथ नहीं है। अभी कल ही शायद एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि वो एलईडी लाइट्स में कुछ एडिशन करना चाहते हैं, तो वो आप ऐड कर सकते हो, आप मॉडिफाई कर सकते हो। इट्स उसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आपका बहुत ज़्यादा कुछ, आप ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ कर दो और आपके टैंक में जो है वो बैलेंस ख़त्म हो जाए और फिर एलजी की प्रॉब्लम आ जाएगी, तो एलजी के लिए आप फिर अलग से केमिकल डालोगे या एलजी को साफ़ करोगे, तो आप जो भी आप केमिकल डालोगे उसका फिर से कुछ साइड इफ़ेक्ट होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, सिंपल रखो आप जितना ज़्यादा सिंपल रख सकते हो। वाटर चेंज हमेशा करो, उसमें आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर चेंज में जहाँ आलस हुआ आपका धीरे धीरे बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है, अनलेस कि आपका टैंक बहुत ही ज़्यादा इस्टेब्लिश हो। अब इस टैंक को ऑलमोस्ट 8 से 10 महीने हो चुके हैं, तो ये काफ़ी इस्टेब्लिश है, इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है मुझे। अगर मैं 8-10 दिन में भी एक बार वाटर चेंज कर देता हूँ तो काम चल जाता है। तो आपको क्लोजली मॉनिटर करना है, अपने ऊपर थोड़ा विश्वास रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप टेस्ट एंड ट्राई करेंगे चीज़ें निकलती हैं। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आज का यही वीडियो था। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दें, और उसके बगल में जो बेल नोटिफिकेशन बटन है वो भी दबा दें। ये बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसा नहीं देना है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक वीक में एक वीडियो मेरा ज़रूर आता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि कोई वेस्ट ऑफ टाइम ना हो आपका। जो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं वही दिखाऊँ मैं आपको, तो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। प्लीज़ जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक दबा दीजिए, लाइक से मेरे को मोटिवेशन भी मिलता है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।